हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम बताते हैं आपको लेटेस्ट टेक न्यूज़ और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक क्वेरीज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेक पोल के बारे में जो कि हमने डाला था, और उसमें मैंने पूछा था कि क्या गूगल पिक्सल 4a आप कंसिडर करोगे अगर वो आता है 30,000 के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग 71% लोग ये कहते हैं कि भाई वो गूगल पिक्सल 4a लेंगे, वन प्लस नॉट को छोड़ देंगे अगर 30,000 के अंदर आता है, क्योंकि कैमराज आर एवरीथिंग एंड गूगल पिक्सल 4a में कैमरा डेफिनेटली बेहतर होंगे नॉर्ड के कंपैरिजन में। तो ऐसे में 29% लोग ऐसे भी हैं जो कि नॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे हार्डवेयर के लिए। तो ये जो 29% वाले लोग हैं ये गेमर हैं, और जो 71% लोग हैं वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हैं, और गूगल का कैमरा अगर उन्हें 30,000 के अंदर मिलेगा तो डेफिनेटली कौन नहीं लेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली टेक न्यूज़ के साथ, और पहली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, उसमें आपको नोट 20 अल्ट्रा और बाकी और डिवाइसेज जैसे कि सैमसंग टैब S7 ये सब देखने को मिलने वाले हैं। और नोट 20 अल्ट्रा सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इनमें, कॉपर कलर में ये फोन बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा, FHD प्लग डिस्प्ले होगा और ये QHD प्लस नहीं होगा। और ये इस बार कहा जा रहा है कि ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाला फोन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पे मटेरियल अगर ग्लास की जगह प्लास्टिक होगा तो कितना मैटर करेगा लोगों को, क्या आपके लिए मैटर करेगा नहीं करेगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि नोट 20 अल्ट्रा एक्चुअली में एक महंगा फोन होगा। इसमें आपको UFS 3.0 वाली स्टोरेज भी मिलेगी, 45 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, और कॉपर गोल्ड कलर में सबसे बढ़िया प्रीमियम कलर आपको मिलने वाला है सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा का। और इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्द, अगर सैमसंग ने मुझे डिवाइस भेज दिया तो। आजकल थोड़े सड़े से रहते हैं, कुछ डिवाइसेस भेज देते हैं कुछ डिवाइसेस नहीं भेजते हैं। तो मैं तो वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको सही हैं, और जो गलत है उनको गलत बताऊंगा, और चाहे सैमसंग उस चीज़ को कैसे भी समझे, मेरे लिए आप लोगों की तरफ जो मेरी लॉयल्टी है वो ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू सैमसंग के साथ रिलेशनशिप। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में, और अगली खबर है Xiaomi का Redmi 9 Prime जो इनके हिसाब से बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, और मेरे हिसाब से भी 10,000 के अंदर जो इसका वेरियंट है 4GB रैम वाला, 64GB स्टोरेज वाला, 10,000 के अंदर आपको चार कलर मिलते हैं इस फोन में। FHD प्लग डिस्प्ले है जो कि बहुत बढ़िया बात है, MediaTek का G80 प्रोसेसर है वो भी अच्छी बात है, 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन पैकेज के अंदर 10 वॉट का चार्जर देंगे, बेसिकली एक तरह से कंजूसी की इन्होंने, अगर सबको दे रहे थे तो चार्जर भी दे देते तो क्या ही हो जाता। अब इसके बाद 3.5 ऑडियो जैक है इसमें, गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट है इसमें, 5020mAh की बैटरी है जो कि ऑलमोस्ट सभी Xiaomi फोन्स में आती है। तो ये फ़ोन अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट अच्छा लग रहा है, इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है, और उसमें सिर्फ आपको 64GB से 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, और स्टोरेज EMMC है, तो ये UFS वाली स्टोरेज नहीं है, तो बिल्कुल फास्ट वाली स्टोरेज नहीं है। लेकिन अगेन अगर 10,000 के नीचे वाले फ़ोन देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है, यही वाली स्टोरेज मिलती है बाकी फोन में भी, तो ऐसा नहीं है कि Xiaomi कुछ गलत दे रहा है, लेकिन ठीक है ये फोन अच्छा है, लेकिन 464GB वर्जन लेना बस, दूसरे वाले वर्जन के लिए मत जाना। अगली खबर यहाँ पे Samsung की तरफ से, Samsung का M51 ये एक ऐसा फोन है जो कि नया आने वाला है, इसमें भी आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, 7000mAh की बैटरी, सोचो 7000mAh की बैटरी मिलेगी, कितनी बड़ी बैटरी होगी Samsung के इस फोन में, और इसमें आपको NFC भी मिलेगा, और ये FCC सर्टिफिकेशन पे देखा गया है। तो Samsung M51 एक ऐसा फ़ोन है जो दिवाली से पहले आएगा, और ये फ़ोन का मुकाबला करेगा किसके साथ, कहीं ना कहीं OnePlus Nord के आसपास आ जाएगा ये। तो देखते हैं कि क्या प्राइस रखता है Samsung, मुझे लगता है कि इस फ़ोन की प्राइस 22,000 से 23,000 के आसपास शुरुआती प्राइस होगी, और उसमें आपको स्टोरेज कम मिलेगी कंपेयर टू एनी अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर फ़ोन, तो ये यहाँ पे कमी करता है Samsung, तो थोड़ा सुधर जाओ सैमसंग यार, स्टोरेज और रैम सही दिया करो अपने फ़ोन में। जब प्राइस आप 20,000 से ऊपर ले रहे हो तो कम से कम 128GB की स्टोरेज तो बनती है ना फ़ोन में, वो तो कम से कम दे दो। तो आई होप कि आप इसका ध्यान रखोगे। सैमसंग के एक और नए फोल्डेबल फ़ोन के बारे में जो कि है Z Fold 2, ये फ़ोन इतना बढ़िया लग रहा है कि फोल्ड के जो पहला वर्जन था उसका वर्जन से कंपेयर करो तो ये काफ़ी स्लीक लग रहा है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। तो सैमसंग हैज़ एक्चुअली वेंट वेरी फार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, और बेहतर डिज़ाइन हो गया है, और मुझे लगता है कि फोल्डेबल फ़ोन में अगर किसी ने इनोवेशन की है, किसी ने अपने डिवाइसेस को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल बनाया है और रिलायबल बनाया है, तो वो है सैमसंग, और इसके लिए डेफिनेटली उनको वोट जाता है, बिग थम्स अप टू सैमसंग,
डिवाइसेस महंगे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाले डिवाइसेस, अगर आप विश्वास कर सकते हो किसी एक कंपनी पे कि आप पैसे लगाओगे और वो फ़ोन चलना चाहिए, उसकी रीसेल वैल्यू भी होनी चाहिए, तो वो सैमसंग है। और ऐसे में ये नया फ़ोन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कब आता है इंडिया में और किस प्राइस पे आता है। आई होप कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। अगली खबर आ रही है आईक्यू की तरफ से। आईक्यू का 5 फोन आएगा 120 वॉट चार्जिंग के साथ, और ये स्नैपड्रैगन 865 प्लस या 865 के साथ आएगा। तो नया जो आईक्यू का फोन आने वाला है, आईक्यू 3 के बाद आईक्यू 5 देखने को मिलेगा, फ्लैगशिप लेवल का फोन होगा, और इसमें आपको 120 वॉट की चार्जिंग मिल जाएगी और 4000 mAh की बैटरी इसकी जो है सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, पूरी फुल चार्ज। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। और ये फोन आपको दिवाली से पहले इंडिया में मिल जाएगा। मैंने कहा था ना आपको फास्ट चार्जिंग वाले फोन जल्दी आने वाले, दिवाली से पहले बहुत सारे धमाकेदार फोन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसका मतलब है कि अक्टूबर का महीने से पहले ही सितंबर तक ये फोन आ लेंगे, और अक्टूबर में कुछ और नए फोन आएंगे जो आईफोन 12 वगैरह भी हो गए, तो वो देखते हैं, शायद वो तो हम लेने भी जाएंगे। अगली खबर है ओप्पो K7 के बारे में, जो कि एक नया ऐसा फोन है अफोर्डेबल वाला जो कि आएगा चाइना में। तो ये आ गया है, 6.4 इंच का FHD डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है इसमें, स्नैपड्रैगन 765G है, एंड्रॉइड 10 है, और इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, क्वाड कैमरा सेटअप है, 32 MP की सेल्फी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब इतना सब कुछ सुन के आपको लगेगा कि यार ये तो मिड रेंज वाला फ़ोन है, तो इंडिया में आएगा तो बढ़िया रहेगा और अच्छा भी रहेगा। नहीं, इंडिया में आएगा तो ये महंगा रहेगा, इतनी बात समझ लो। ओप्पो K7 अगर इंडिया में आएगा तो कम से कम मतलब वही प्राइस जिस प्राइस पे आपका OnePlus Nord आता है, उस प्राइस पे ये आ सकता है, या उससे भी थोड़ा महंगा ही आएगा। मतलब उस केस में तो OnePlus Nord ही लोगे ना आप, मतलब ओप्पो K7 के लिए क्यों जाओगे। अगली खबर Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi का फाइनली एक फ़ोन स्पॉट किया गया है। मुझे लगता है कि ये चाइना की जो वो मेट्रो ट्रेन होती है वहाँ पे किसी ने फोटो लिए, जिसके अंदर आपको पंच होल डिज़ाइन मिल रहा है, और वो पंच होल कैमरा सेंटर में मिल रहा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिख रहा है। तो ये Xiaomi का नया फ़ोन स्पॉट हुआ है। इसका नाम क्या है एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगेन मैं कह सकता हूँ कि ये फ़ोन भी इंडिया आने वाला है। और अब Xiaomi के जो नए जनरेशन फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें सबको आपको सेंट्रल पंच होल डिज़ाइन मिलेगा, वो कॉर्नर वाला ख़त्म हो जाएगा, और वो ड्रॉप तो अब पुराना हो चुका, अब उसको भूल जाओ। अगली खबर है यहाँ पे वेब सर्च के बारे में, जो कि एक नया ऑप्शन है जो कि WhatsApp में फाइनली रोल हो गया है। तो इररिस्पेक्टिव आप किसी भी फोन के अंदर WhatsApp यूज कर रहे हो, तो आप अपने WhatsApp को अपडेट कर लो और आपको एक नया फीचर मिलेगा जिसके थ्रू आप फेक न्यूज को चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त, आपके भाई बंधु, ये आपको WhatsApp पे कोई मैसेज भेजते हैं जो या तो कोई कोरोना का इलाज होता है या फिर कोई फर्जी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, और आप उसको सच मान लेते हैं। तो ऐसे में कोई भी मैसेज आपको फॉरवर्ड होकर आता है तो उसके आगे आपको एक सर्च सिंबल बना हुआ आएगा, एक बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पूरा मैसेज कॉपी होके गूगल में सर्च हो जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो मैसेज जेन्युइन है या नहीं। ये थी आज की सारी टेक न्यूज, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, और कल भी आती रहेगी टेक न्यूज, रोज आएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो टेक न्यूज रोज आएगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।